गोहर ब्लॉक कांग्रेस नाचन के अध्यक्ष नीलमणि ठाकुर की अध्यक्षता में बुधवार को एक ज्ञापन माननीय राज्यपाल हिमाचल प्रदेश को माननीय एसडीएम गोहर के माध्यम से भेजा गया, जिसके तहत कुल्लू जिला के रहने वाले श्री परसराम जी की कुछ भाजपा के रसूखदार लोगों द्वारा मारपीट के बाद हुई मृत्यु को लेकर रोष जताया गया तथा इस मामले में न्यायिक जांच की मांग करते हुए ब्लॉक कांग्रेस नाचन ने मांग रखी कि पीड़ित परिवार को न्याय दिलाया जाए। श्री परसराम जी की पत्नी श्रीमती योम देवी के साथ भी मारपीट की गई थी और वो गंभीर अवस्था में नेरचौक मेडिकल कॉलेज मंडी में उपचाराधीन है। श्री परसराम जी अपने पीछे अपनी पत्नी और दो लड़कों को छोड़ गए हैं। ब्लॉक कांग्रेस नाचन के अध्यक्ष नीलमणि ठाकुर की यह भी मांग है कि उनके परिवार से किसी एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाए ताकि उनकी थोड़ी बहुत आर्थिक मदद हो सके। इस अवसर केशरी लाल चेयरमैन वरिष्ठ उपाध्यक्ष पंकज चौधरी जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व प्रवक्ता ब्रह्मदास चौहान उपेंद्र ठाकुर शिवानी चौहान यदुपति सिद्धू भारद्वाज शिवानी चौहान उमा शर्मा प्रेमलाल गुड्डू नरेश कुमार सुनील कुमार सेवक राम हेमराज महेंद्र कुमार श्यामलाल प्रधान फतेह चंद हरमेश अब्रोल धनीराम रोशन लाल विनोद कुमार संदीप कुमार धनीराम श्यामलाल रामदास लोट प्रधान नरोत्तम सिंह और सभी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और अग्रणी संगठनों के पदाधिकारियों ने भाग लिया। आज 22/9/2021 को जो यहाँ नाचन कांग्रेस का जो मेमोरेंडम था तहसीलदार एस टीम के माध्यम से राज्यपाल को, ये हमने इसलिए किए कि गरीबों के लिए और जो दलित वर्ग के लिए जो परसराम की कुल्लू में मौत हुई थी, किस हालात में हुई, कौन उसमें दोषी रहता, सरकार ने बोला था 5 दिन के अंदर हम दोषियों को पकड़ेंगे, तो आज तक इतने दिन हो गए, महीने से ऊपर समय हो गया, पर सरकार ने इसमें कोई भी ध्यान नहीं दिया और वो केस ही दबा दिया। उसमें कौन फंस रहा है, कौन निकल रहा है, कौन क्या है, सरकार को इसके लिए जो है ध्यान देना चाहिए। आज ये जो हमारा ये धरना प्रदर्शन था इसलिए था ब्लॉक लेवल, अपने नाचन कांग्रेस के ब्लॉक लेवल पे, ताकि जो है सरकार इसके जो है कोई मध्य प्रदेश में इतने अरसे से ऐसा कोई है नहीं, कोई कानून ठीक ढंग से नहीं हो रहा है, धरातल में जो भारतीय जनता पार्टी का कुछ भी नहीं सही चल रहा है। जो गरीब लोग हैं वो गरीब ही है, उनको कोई पूछता ही नहीं है, दफ्तर में जाते हैं वहाँ नहीं पूछता है, तानाशाही की सरकार है। तो हम चाहते हैं, हमारा राज्यपाल से आज तहसीलदार के माध्यम से हमने राज्यपाल से निवेदन किया कि वो जो है गरीबों के लिए, दलितों के लिए, हर जो गरीब इंसान है उसकी पहुँच जो है हर दफ्तर तक नहीं होती है, इसलिए जो है वो सरकार जो इसके ऊपर गौर करे और जो ये जो अपराध हो रहे हैं उनको जो है कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। जय हिंद, जय कांग्रेस। गोहर से संवाददाता कपिल शर्मा की रिपोर्ट।